इंडिया में जितना ज़्यादा क्रेज प्रीमियम कार्स का नहीं उतना महिंद्रा के एसयूवीज का है, और यही रीजन है कि महिंद्रा आज कार मैन्युफैक्चरिंग में फोर्थ नंबर पे आते हैं। महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो, इन एसयूवी की इंडिया में अलग ही फैन फॉलोइंग है भाई। इस बढ़ती फैन फॉलोइंग की वजह से महिंद्रा के कार्स पर आज 6-6 महीनों की वेटिंग लगी है, और एक्सयूवी 700 लॉन्च के टाइम पे एक घंटे में ही 25,000 से भी ज़्यादा बुकिंग हुई थी। मतलब इंडियन महिंद्रा के इंजन परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी पर आग बंद करके विश्वास कर पा रहे हैं, और इंडिया में इतना ज़्यादा विश्वास जीत पाना कोई मजाक बात नहीं थी। जहाँ तक इंडिया में छोटी कार्स बेचकर कंपनियां ऊपर आई है, लेकिन महिंद्रा ने सिर्फ अपने एसयूवीज बेचकर ही ये कर दिखाया है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही डब्बा दिखने वाली गाड़ियाँ आखिर प्रीमियम एसयूवीज में कैसी बदली, तो डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। और महिंद्रा के ट्रैक्टर्स में यूज़ होने वाले डीजल इंजन को पावरफुल रिलायबल बनाकर कार्स में किस तरह से यूज़ किया, और 200 bhp तक पावर प्रोड्यूस करने वाले हाई टॉर्क के पेट्रोल इंजन तक महिंद्रा ने बना दिए, और टाटा अब तक फिएट के इंजन ही यूज़ कर रहे हैं अपने कार्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्रथमेश आदमनी। साल 2002, ये वो साल है जब महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो लॉन्च करने का डिसीजन ले लिया था, और उसके साथ ही एक और डिसीजन ले लिया था कि अब हम खुद के इंजन खुद ही बनाएंगे, और ये डिसीजन उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित हुआ। महिंद्रा को डीजल इंजन बनाने की कोई भी एक्सपर्टीज नहीं थी और ना ही कोई एक्सपीरियंस था, तो इन्होंने अपना पूरा काम वेंडर को दे दिया। डिज़ाइन से लेकर टेस्टिंग तक पूरा काम वेंडर ने किया, और खुद ही असेंबल करके गाड़ियाँ बेचने लगे। तो इस टेक्निक का यूज़ करके महिंद्रा ने ये प्रोजेक्ट सिर्फ 600 करोड़ में ही कंप्लीट कर दिया था, और इसे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना दिया था। स्कॉर्पियो को इंट्रोड्यूस किया गया था 2.6 लीटर के 109 bhp वाले डीजल इंजन के साथ, लेकिन इसे बदलकर 2005 में CRDI करके, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन करके इसकी पावर को अपग्रेड किया गया था, और 109 से बढ़कर 115 bhp इसकी पावर हो गई थी। लेकिन फिर से 2007 में अपना यमहॉक इंजन महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया, जो कि 2.2 लीटर का था। इसमें हमें 140 bhp की पावर मिलती थी, और महिंद्रा अपने डीजल इंजन्स को अपग्रेड कर रही थी, और ये कोई आसान बात नहीं थी कि दो साल में अपने इंजन को अप टू डेट रखना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आखिर महिंद्रा इतना अच्छा कैसे कर पा रहे थे डीजल इंजन में, तो चलिए जानते हैं। 1999, ये वो साल है जब महिंद्रा ने गुजरात ट्रैक्टर्स को एक्वायर कर लिया था, और 2007 में पंजाब ट्रैक्टर को भी, और उसका नाम चेंज करके स्वराज रख दिया था, और ज़्यादातर फार्म इक्विपमेंट में अपना वर्चस्व प्रस्थापित कर लिया था महिंद्रा ने। दरअसल फार्म इक्विपमेंट में डीजल इंजन बेस होते हैं, और उनमें आने वाले डीजल इंजन की जो साइज़ होती है वो लगभग इतनी ही होती है जितनी कार की होती है, और यही रीज़न है कि ट्रैक्टर डीजल इंजन का फ़ायदा महिंद्रा के कार्स के इंजन को हुआ। ये तो हुई डीजल इंजन की बात, लेकिन पेट्रोल इंजन बनाने में कोई भी महिंद्रा का एक्सपीरियंस नहीं था, और ना ही इनके पास कोई अच्छे इंजीनियर थे पेट्रोल के। लेकिन आज के कंडीशन में पेट्रोल इंजन इतने पावरफुल रिलायबल कैसे प्रूफ हो रहे हैं महिंद्रा के। साल 2016, ये वो साल है जब KUV100 में महिंद्रा ने फर्स्ट सेल्फ डेवलप पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया था, जो कि 1.2, 1.5 और 2 लीटर में डेवलप किया था। नॉर्मली पेट्रोल इंजन में हमें कम टॉर्क देखने को मिलता है डीजल के मुकाबले, लेकिन पेट्रोल इंजन में कुछ इस तरह से डेवलपमेंट की गई थी कि पेट्रोल में हमें डीजल इतना टॉर्क मिलता था। XUV300 पेट्रोल इस बात का प्रूफ है कि महिंद्रा पेट्रोल इंजन कितने रिलायबल और पावरफुल बना रहा है। 50% बायर XUV300 का पेट्रोल इंजन ही चूज करते हैं बाइंग के टाइम पे, और टाइम के साथ बेहतर हो रहे डिजाइन भी इस बात का प्रूफ है। ये डिजाइन ऐसे ही अपडेट नहीं हुए, इन बिटवीन महिंद्रा ने काफी कार लॉन्च की, लेकिन डिजाइन अच्छे ना होने के कारण इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और फिट एंड फिनिशिंग की तो हमेशा दिक्कत महिंद्रा में रही है, लेकिन अगर हम बात करें स्कॉर्पियो एन की, उसमें हमें बहुत अच्छी फिट एंड फिनिशिंग मिलती है। मतलब फिट एंड फिनिशिंग पे भी महिंद्रा बढ़िया तरीके से काम कर पा रहे हैं। ये तो हुई डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड इंजन की बात, जिसकी वजह से महिंद्रा को सक्सेस मिली। लेकिन प्राइसिंग भी यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करती है। महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो एंड XUV700 जिस प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च हो रही है वो काफ़ी कम है अकॉर्डिंग टू साइज, क्योंकि इसी प्राइस पॉइंट पे अदर कंपनीज हमें एक छोटी गाड़ी ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पे महिंद्रा हमें स्कॉर्पियो एन जैसी बिग डैडी SUV देने के प्रयास में है।
XUV 700 14 लाख से शुरू होती है, स्कॉर्पियो वैन 13 लाख। भले ही फीचर्स कमी हो बेस वेरिएंट में, लेकिन एक मोस्ट पावरफुल और डिमांडिंग 200 BHP वाला तगड़ा इंजन हमें मिलता है भाई। और ये गाड़ियाँ हर टाइप के बंदों के लिए है। मैं तो कह रहा हूँ हर नौजवान के पास थार होनी चाहिए, थार होनी चाहिए, थार होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्रथमेश अदमानी, क्योंकि हमें जल्दी ही 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। गल्ला ना करो तो जवानी की।